44 आईसी का जो है आप एक सर्किट बनाऊंगा, आप ये सर्किट देखिएगा और इसको 44 आईसी में आप लोग बना सकते हैं और बहुत अच्छा साउंड है वो भी। एक देखिए डूल लगाऊंगा एक, और बाकी इसी तरीके से मैं एक ट्रांजिस्टर लगाऊंगा और एक जो है ये जो हेयरसिंग लगाऊंगा। इसी तरीके से मैं और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बहुत जो है अच्छी वीडियो मैं बनाऊंगा। ये देखिएगा, ये जो है दोस्तों ये जो है 100 MFD जो है 25 वोल्ट में एक लगी गई, और उसके बाद ये लगेगी 100 MFD 25 वोल्ट में, आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद एक ये लगेगी 100 MFD 25 वोल्ट की। 3 MFD लगाऊंगा और प्लस आप 4.7 50 वोल्ट में लगाऊंगा, ये 4.7 50 वोल्ट में दोस्तों इतना चीज़ ये लगाऊंगा। बाकी अब इसमें और आपको बताना चाहता हूँ, एक इसमें रेजिस्टेंस लगाऊंगा दोस्तों, मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जो है एक लगाऊंगा 15K रेजिस्टेंस दोस्तों, देखते रहिए, और एक लगाऊंगा जो है दोस्तों जो है ये 150 ओम लगाऊंगा, ये देख सकते हैं आप लोग, और इसी तरीके से मैं एक रेजिस्टेंस और लगाऊंगा जो कि को दिखा देता हूँ, ये लगाऊंगा जो है 220 ओम। अब दोस्तों मैं अब इसको शुरू करता हूँ बनाने के लिए। अब देखिए मैं इसको इसमें टाइट कर देता हूँ, और इसको टाइट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब इसको मैं टाइट कर रहा हूँ, अब इसको हम टाइट कर दे रहे हैं दोस्तों, इसको मैंने टाइट कर दिया। अब मैं इसमें एक ट्रांजिस्टर लगाऊंगा 7805, आप लोग देख सकते हैं इसको 7805 है, थोड़ा सा जो है इसका सिंबल अब दिख रहा होगा, और इसको मैं टाइट कर देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों मैंने इसको टाइट कर दिया, और बहुत अच्छी पावरफुल सर्किट मैं बना दूँगा जो कि आप लोग देखते रहेंगे कि जो है कितनी अच्छी सर्किट होती है, और बहुत अच्छा साउंड इसका आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। मैं इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा देता हूँ जिसमें कि आप लोगों को आसानी हो बनाने में। अब दोस्तों मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, पहले हम इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ, और ये हम इसको हमें कैपेसिटर कहते हैं जो है 25 वोल्ट में 4.7 25 वोल्ट, अब इसको हम इसको लगाने जा रहे हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं ये हम दूसरे नंबर पिन से शुरू करते हैं, ये इधर जो है सॉरी दोस्तों, ये हमारी मैं आप लोगों को पिन गिनती करा देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पिन पे हमने लगा दिया है। अब उसके बाद मैं इधर लगा देता हूँ दोस्तों, इधर मतलब कि ये इस वाले पिन पे ये पिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस पिन पे कंडेंसर कैपेसिटर लगाया हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10 के बीच में मैंने लगा दिया, जिसमें कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये वाले जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पिन जो है सप्लाई है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं इसको ये कंडेंसर लगाऊंगा, कैपेसिटर लगाऊंगा जो कि आप देख सकते हैं जो है 100 125 है, और ये लगाएंगे दोस्तों एक 3 नंबर पिन पे और एक जो है 5 नंबर पिन पे दोस्तों, आप लोग देखते रहिए, एक 3 नंबर पिन पे एक 5 नंबर पिन पे दोस्तों, ये हमने लगा दिया। और इसके बाद मैं एक कंडेंसर और लगाऊंगा जो कि आप देख सकते हैं, और ये कंडेंसर लगाएंगे हम एक नंबर पिन पे जो कि 4.7 50 वोल्ट में है, और ये हमने इसको लगा दिया दोस्तों, इसको लगा दिया। अब इसके बाद मैं और दोस्तों एक कैपेसिटर और लगाएंगे जो कि ये है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं 4.7 50 वोल्ट में, जिसमें कि ये इस एक जो है इसको हम लगाएंगे दोस्तों, ये
इस ये लगा दिए हम, इसको बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सात नंबर पिन पे लगा दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे और हम अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं, जो कि अब इसमें एक हम सर्किट बनाते हैं जो कि ग्राउंड करने के लिए, जो कि आप लोग देखते रहिए। ये हम इसको टीन वायर हम लोग बोलते हैं इसको, इसको हम टीन वायर को हम लगाते हैं, ये इस पर लगा दिए। और इसके बाद दोस्तों आप लोग देखते रहिए, और इसको इसके बाद मैं लगा देता हूँ इसको ट्रांजिस्टर पे, ट्रांजिस्टर पे, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर पर लगा दिए, थोड़ा पीच करो। हेलो दोस्तों, अब देखो मैं यहाँ पे जो है 220 ओम रेजिस्टेंस लगाने जा रहा हूँ, 220 ओम रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम इसको इस पर लगा देते हैं, इसको लगा दिए दोस्तों। और इसको अब हमें इस कैपेसिटर से इसको ग्राउंड करना है, और अब हम इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं, और अब इसको ये लग गया। और दोस्तों इसको हम थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी कटिंग ही नहीं है। और दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ पे लगाएंगे 15 के रेजिस्टेंस, आप लोग देख सकते हैं 15 के रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग 15 के रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको आप लोग देखते रहिए दोस्तों, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ये दोस्तों देखिए इसको हम इस जो रेजिस्टेंस हमने लगाया था इससे हम इसको जो है देखिए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों इस पे हम लगाएंगे 150 ओम रेजिस्टेंस लगाएंगे दोस्तों, आप लोग देखते रहिए 150 ओम रेजिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं। और दोस्तों एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा अब इसको हम 150 ओम रेजिस्टेंस लगा दिए इसमें कैपेसिटर पे। और अब ये 150 ओम रेजिस्टेंस लग गया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा दोस्तों इसको हम सप्लाई दे देते हैं, जिसको कि ट्रांजिस्टर की सप्लाई हम दे देते हैं, ट्रांजिस्टर की सप्लाई जो कि 12 वोल्ट हम दे देते हैं। ये हमारे जो है पिन 12 वोल्ट है ये वाली, और इसको हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं यहाँ से ये 12 वोल्ट इस पे इस आईसी पे आएगा दोस्तों। अब ये यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम स्पीकर का वायर लगाते हैं। देखिए दोस्तों ये स्पीकर का वायर है, स्पीकर वायर, और इसको हम लगाते हैं दोस्तों स्पीकर वायर दोस्तों लगा जो है देखिए दोस्तों एक इस पिन पे हम स्पीकर वायर लगाएंगे, और एक इस तरफ पिन पे लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ अब जो है साफ दिख रहा होगा दोस्तों आप लोग को। और इस पे हम अब जो है 12 वोल्ट का जो है तार लगाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो हम 12 वोल्ट का जो दोस्तों ये थोड़ा सा तार जो है थोड़ा सही कर लेते हैं हाँ। और ये दोस्तों ये ग्राउंड है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये 12 वोल्ट हो गया लाल और काला, और ये स्पीकर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद जो है हम दोस्तों अब इसके लिए ये जो है 5 वोल्ट की सप्लाई हो गई, और दोस्तों इसके बाद हम जो है ये डूल का कनेक्शन करेंगे। स्पीकर है जिसमें कि ये 8 इंची स्पीकर है, और इस पर हम कनेक्शन करते हैं, इस पर हम कनेक्शन करते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों इसको हम कनेक्शन कर दिए हैं, अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों ये डबल USB मॉड्यूल है, इसको हम इसमें लगाएंगे और आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। अब हम इसमें लगा देते हैं, जैसे कि ये देखिए दोस्तों
ये है आरएल लेफ्ट राइट जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो है, दोस्तों देखिए एक कैपेसिटर हम लगा देते हैं इस पे, जिसके जिससे कि हम ऑडियो इससे निकालेंगे। देखिए दोस्तों आप लोग देखते रहिए, और देखिए दोस्तों इस पे हमने कैपेसिटर लगा दिया। और अब मैं इस पे जो है ग्राउंड देने जा रहा हूँ दोस्तों, इस पे हम ग्राउंड दे दिए दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये जो है आरएल लेफ्ट राइट का कनेक्शन इस पे हम लोग करते कर दिए, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से दोस्तों अब जो है, और हम इस पे जो है 12 वोल्ट, अब जैसे कि ये हम, ये देखिए दोस्तों, और इसको हम इस पे, इससे हम कनेक्शन देंगे इस पे। ये देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई है, बकायदा देख रहे हैं दोस्तों, ये सब ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, और इससे हम कनेक्शन इस पे देंगे। देखिए दोस्तों आप लोग देखते रहिए, और आप लोग को, आपके लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो है। अब ये देखिए ग्राउंड है दोस्तों, ये ग्राउंड है, और ये है जो है इसका 12 वोल्ट। अब दोस्तों इसको हम, अब इसको हम दोस्तों जो है इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। अब जैसे देख, देखिए दोस्तों ये तीन वाला, दो वाला कनेक्टर है जिसमें कि इसमें हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। देखिए दोस्तों ये हम 5 वोल्ट की सप्लाई इसको हम दे रहे हैं यहाँ से, जो हम ट्रांजिस्टर लगाए थे जिसमें कि उसी से हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, ये हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी आवाज आ रही है, पापा मम्मी के लिए जब सुनने के लिए भोजपुरी गाना बस बजा के जाने। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। और ये सर्किट बहुत पावरफुल सर्किट है, जिसमें कि 44-40 की सर्किट है, सबसे बेस्ट सर्किट है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, इसको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।